हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लॉ एकेडमी भोपाल। आई एम सुरभि जायसवाल प्रेजेंटिंग यू अ न्यू केस। नेम इज स्टेट सू इंस्पेक्टर वर्सेस मनिका नंदन एंड अदर्स। प्रोविजन यह है इस केस का कि अंडर सेक्शन 302/34 ऑफ द IPC ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और उसकी वैधता के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करी गई, क्योंकि उसमें चक्षुदर्शी साक्षी जो हैं वो मौजूद थे। इस केस का फैक्ट इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन, डिसीज जो था वो कार ड्राइव करके जा रहा था। रिस्पोंडेंट ने उसको ओवरटेक किया और उसको ओवरटेक करके उसको रोका। एक धारदार हथियार से उसके कार के शीशे पर वार किया, जिसकी वजह से उसके कार का कांच टूट गया और उसके कंधे पर भी वार किया। डिसीज जो था वो अपनी जान को बचाने के लिए अपनी कार छोड़कर भागा और रिस्पोंडेंट उसके पीछे भागे और उसके एक शेड में ले जाकर उसके ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ट्रायल कोर्ट ने जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 3 को सेक्शन 302/34 IPC के अंतर्गत में आजीवन कारावास से दंडित किया और ₹1,000 के जुर्माने की भी दंड राशि जो है वो अधिरोपित करी। इस कन्विक्शन के अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच में अपील प्रस्तुत करते हैं और अपील सुनते हुए मद्रास हाई कोर्ट जो है वो रिस्पोंडेंट्स को दोषमुक्त कर देती है और रिहा कर देती है। इस दोषमुक्ति के अगेंस्ट में जो है स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील प्रस्तुत करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस अपील को सुनते हुए हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर देती है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को कायम रखते हुए रीस्टैब्लिश करती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब किसी भी अपराध का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो है घटना का कोर्ट के समक्ष वृत्तांत वर्णन कर देते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो अभियोजन का ही समर्थन करते हैं, तो उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बाद में पक्षद्रोही साक्षी के रूप में बदल जाए या उनके घटनाओं में अंतराल हो या विभिन्नताएं हो, तो वह एक बेसिस नहीं बन सकता किसी भी अपराधी के दोषमुक्ति का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी थी, वो इस प्रकार थी कि किसी भी अपराध में प्रयुक्त हथियार का जब्त ना होना जो है वह दोषमुक्ति का कारण नहीं बन सकता है। यदि किसी अपराध में चक्षुदर्शी साक्षी आई विटनेस मौजूद है तो अपराध में प्रयुक्त हथियार का जब्त होना जो है वह दोष सिद्धि के लिए पूर्ण शर्त नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अंतर्गत, वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे और भी केसेस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।